क्या टैगलाइन बनाई गई है, ठंडा मतलब कोका कोला। विज्ञापन की दुनिया में इस टैगलाइन ने लोगों को बहुत प्रभावित किया, जिसने कोल्ड ड्रिंक के मायने ही बदल दिए। गर्मी की उमस हो या किसी पार्टी का जश्न, कोका कोला तो बनता ही है यार। मगर क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब कोका कोला को दवा के तौर पर बेचा जाता था। यही नहीं, इसको बनाने वाली अमेरिकी को इसे ब्रांड बनते देखना भी नसीब नहीं हुआ था। शुरुआत में इसमें कोकीन नाम की ड्रग्स को मिलाया जाता था। अपने पहले साल यह प्रतिदिन महज 9 गिलास की औसत से बिका। इसके बावजूद आज कोका कोला कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ऐसे में हमारे लिए कोका कोला से जुड़े किस्सों के बारे में जानना दिलचस्प होगा, तो आइए आज जानते हैं कोका कोला का रोचक सफ़र के बारे में। नमस्कार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मई 1886 को दोपहर में अमेरिका के डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन ने एक तरल पदार्थ बनाया। ये अटलांटा के एक फार्मासिस्ट थे। वे इस पदार्थ को स्थानीय जैका फार्मेसी लेकर गए। इसमें उन्होंने सोडे वाला पानी मिलाया। इसके बाद उन्होंने वहाँ खड़े कुछ लोगों को इसे चखाया। उनके द्वारा वो पेय पदार्थ बहुत पसंद किया गया। जॉन पेम्बर्टन के बही खाता देखने वाले फ्रैंक रॉबिन्सन ने इस मिश्रण को कोका कोला का नाम दिया। तब से लेकर आज तक इसी नाम से जाना जाता है। उन्होंने कोरा खरोड़ से कोका पत्ती निकालने और उसमें मिलाए गए कैफीन वाले सिरप के नुस्खे को कोका कोला के नाम से जोड़ा था। फ्रैंक के अनुसार ब्रांड का नाम डबल सी होने से ज़्यादा फायदा होगा। उन्होंने विज्ञापन के लिए भी इसी नाम को बेहतर समझा। बहरहाल कोका कोला को बेचने के लिए प्रतिदिन प्रति गिलास 5 सेंट का मूल्य तय किया गया। 8 मई 1886 को जैकब फार्मेसी से ही पहली बार कोका कोला को बेचा गया था। पहले वर्ष में जॉन पेम्बर्टन ने दिन में केवल 9 गिलास के हिसाब से कोका कोला बेचा था। वहीं आज दुनिया भर में करीब 2 अरब से अधिक इसकी बोतलें रोज बिक जाती हैं। पहले साल का 25 गैलन की खपत हुई थी। वहीं एक शताब्दी के बाद कोका कोला कंपनी ने 10 अरब गैलन से अधिक सिरप का उत्पादन किया था। पहले वर्ष की बिक्री लगभग $50 के करीब हुई थी, मगर इसको बनाने में पेम्बर्टन ने $70 से अधिक खर्चा किया था। इसी तरह उनको शुरुआत में कुछ नुकसान हुआ था। 1887 में एक अन्य अटलांटा के व्यवसायी व फार्मासिस्ट आसा ग्रिक्स कैंडलर ने पेम्बर्टन से लगभग $2300 में इसको बनाने के फार्मूले खरीदे। वे व्यापार के अधिकार हासिल कर चुके थे। दुर्भाग्य से 1888 में कोका कोला के जन्मदाता पेम्बर्टन की मृत्यु हो जाती है। कैंडलर कोका कोला के एकमात्र मालिक बन चुके थे। उन्होंने यात्रियों को मुफ्त कोक पीने का कूपन पास किया। उनका मकसद लोगों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कोक पिया जाना था। जब इसकी आदत लोगों को लगी तो वे इस कोक से दूर नहीं रह पाए और ख़रीद कर इसका लुत्फ उठाया। उन्होंने ग्राहकों तक पहुँचने के लिए कैलेंडर्स, पोस्टर्स, नोटबुक व बुक मास इत्यादि के जरिए विज्ञापन भी किए। कैंडलर अपने क्षेत्रीय ब्रांड को राष्ट्रीय बनाना चाहते थे, जिसमें वे सफल भी हुए। 1890 तक कोका कोला अमेरिका के सबसे लोकप्रिय कोल्ड ड्रिंक में से एक बन चुका था, जो कैंडलर की बदौलत मुमकिन हो पाया था। तभी इन्हें कोका कोला का व्यापार बेहतर करने और उसको ब्रांड के तौर पर बदलने का भी श्रेय दिया जाता है। दिलचस्प यह था कि आगे कोका कोला के सेवन से सिर दर्द व थकान जैसी बीमारियों से निजात दिलाने की दवा के रूप में दावा किया गया। इसको लेकर बहुत विवाद भी हुआ था। इसके बाद में इस दावे को सिरे से नकार दिया गया था। साल 1894 में जोसन बाइडेन हॉर्न नामक मिसिसिपी व्यवसायी ने कोका कोला को बोतल में डालने वाला पहला इंसान बन गया। उन्होंने उनमें से 12 बोतलें कैंडलर को भी भेजी। कैंडलर ने उनके इस कार्य व सुझाव की सराहना की। उनको ज़रा भी इस बात का ख्याल नहीं आया था। अब कोका कोला के ग्राहक आसानी से बोतल बंद कोक को कहीं भी लेकर जा सकते थे। 1903 के बाद से कंपनी ने कोकीन ड्रग्स की मात्रा कम करते करते लगभग समाप्ति कर दिया। बाद में कोकीन की पत्ती का इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे जैसे कोका कोला की लोकप्रियता बढ़ने लगी, वैसे वैसे तमाम पूंजीपतियों ने इसके व्यापार में उत्सुकता दिखाई। इस लिहाज से नकली प्रोडक्ट्स का भी खतरा कंपनी ने महसूस किया। वो अपने ब्रांड को सुरक्षित करना चाहते थे। ऐसे में उसने विज्ञापन के जरिए ग्राहकों को वास्तविक मांग की मांग और कोई विकल्प स्वीकार नहीं टैगलाइन के द्वारा आग्रह किया। कंपनी उपभोक्ताओं को आश्वस्त करने के लिए
एक अलग प्रकार की बोतल बनाना चाहती थी जिससे उन्हें असली कोक की पहचान हो सके। तब रूट ग्लास नामक कंपनी ने एक बोतल तैयार करते हुए प्रतियोगिता जीती जिसे अंधेरे में कोई भी पहचान सकता था। 1916 में कंपनी ने उस बोतल का निर्माण शुरू कर दिया। कोका कोला कंपनी तेजी से समय के साथ आसमान की बुलंदी को छूते जा रही थी। अमेरिका के साथ ही कनाडा, पनामा, क्यूबा, फ्रांस जैसे अन्य देशों व यूएस क्षेत्र में कोका कोला की खपत बड़े पैमाने पर होने लगी। 1923 में रॉबर्ट वुड्रफ ने कैंडलर से एक कंपनी खरीद ली। वे उसके अध्यक्ष बन गए। उन्होंने दुनिया भर में कोका कोला को मशहूर करने की ठानी। रॉबर्ट ने विदेशी विस्तार का बखूबी नेतृत्व किया। 1928 में पहली बार ओलंपिक में कोल्ड ड्रिंक को खिलाड़ियों ने इस्तेमाल किया। तब से लेकर आज तक कोक कंपनी ओलंपिक को स्पॉन्सर करती आ रही है। उन्होंने विज्ञापन के माध्यमों से कोका कोला को सिर्फ एक बड़ी सफलता ही नहीं दिलाई बल्कि उसको लोगों के जीवन का एक बड़ा हिस्सा बना दिया। आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। 1941 में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। हज़ारों अमेरिकी नागरिक सैन्य बल के साथ एक दूसरे देशों में भेजे गए। ऐसे में बहादुर सिपाहियों का समर्थन हासिल करने के लिए कोका कोला के अध्यक्ष रॉबर्ट वुड्रफ ने कहा कि हर व्यक्ति को कोका कोला की बोतल 5 सेंट पर मिलती है मगर जहां भी सिपाही हैं उन पर कंपनी खर्चा करेगी। युद्ध के दौरान कई लोगों ने कोका कोला का आनंद उठाया। कोक को देशभक्ति से भी जोड़ा जाने लगा। रिपोर्टों की माने तो युद्ध के दौरान सैनिकों द्वारा लगभग 5 अरब बोतलें पी गई थी। जब युद्ध समाप्त हुआ तो कंपनी ने विदेशों में दूसरी ब्रांचेस की नींव रखी। इसके बाद इसके विज्ञापनों की टैगलाइनों ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। हमेशा से ही कोका कोला के विज्ञापनों ने उसके व्यापार में अहम किरदार निभाया था। इस बार कोक की अंतर्राष्ट्रीय अपील की गई जो 1971 में इटली से किया गया था जहाँ विश्व के युवकों का एक बड़ा समूह पहाड़ की चोटी पर इकट्ठा हुआ था। तब उनके द्वारा दी गई आई लाइक टू द वर्ल्ड अ कोक इस पंच ने धमाल मचा दिया था। समय के साथ कंपनी पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रही थी। 1990 में जर्मनी में भी कोका कोला बेचने के लिए नई ब्रांचेस खुल चुकी थी। 1993 में पहली बार कंपनी ने भारत की ओर अपना रुख किया। अब तक कंपनी कई प्रोडक्ट बनाने लगी थी। 1997 में कोका कोला उत्पादों को अरब में भी बेचा जाने लगा था। आज कंपनी लगभग 400 से अधिक ब्रांडों के साथ विश्व भर में अपने हज़ारों प्रोडक्ट्स बेचती है जिसको कोल्ड ड्रिंक की सभी कंपनियों में अव्वल दर्जा प्राप्त है। दिलचस्प यह है कि आज नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में इसको बैन किया गया। बाकी लगभग सभी देशों में कोक अपना बाजार बनाए हुए है। हालांकि कंपनी को कई बार विरोधों का भी सामना करना पड़ा। साल 1950 में फ्रांस में इसका विरोध किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने कोका कोला की ट्रक पलट दी थी। वही शुरुआत में सोवियत संघ ने भी कम्युनिस्टों के लाभ के डर से इसका समर्थन नहीं किया था जबकि चुप्पे चोरी जर्मनी में भी इसको बेचा जाता था। तब वहाँ पेप्सी सबसे ज़्यादा पी जाने वाला कोल्ड ड्रिंक था। इराक पर हमले की वजह से लोगों ने सड़कों पर कोको बहा दिया था। इसराइल में बेचने की वजह से अरब ने भी इसका विरोध किया था। इसके बावजूद आज हर कोई यही कहता है कि ठंडा मतलब कोका कोला। तो ये था सबकी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक कोका कोला का रोचक इतिहास जिसके बिना हर पार्टी अधूरी सी लगती है। आपको कोका कोला के दिलचस्प सफ़र के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। मैंने सिर्फ इतिहास शेयर किया है जो जेन्युइन है। अगर आपको लगा हो कि कुछ थोड़ा बहुत इससे ज्ञान मिला है तो शेयर भी कीजिएगा, इसे लाइक भी कीजिएगा और जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच दोस्तों।